हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आर रेडियस का सर्किल है, ये उसका सेंटर है, तो जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। इसका प्रूफ हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आज हम इसका प्रूफ देखेंगे, ये आता कहाँ से है और ये ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर के इक्वल क्यों होता है। तो मान लीजिए एक सर्किल है जिसका रेडी आर रेडियस का एक सर्किल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम कई तरह से प्रूफ कर सकते हैं। आज हम एक तरह प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले हम इस सर्किल के कॉन्सेंट्रिक कई सर्किल ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल हो गया, ये एक सर्किल हो गया, ऐसे हम कई सर्किल पास पास ड्रॉ करेंगे। ये हो गया कैसा है सर्किल, ये सेंटर हो गया और इसका रेडियस है आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले जो सर्किल है, एकदम छोटा वाला जो एक रिंग है, इसे हम निकाल के यहाँ पे स्ट्रेच कर देंगे इस तरह। उसके बाद अगला सर्किल निकालेंगे, उसको इस तरह स्ट्रेच कर देंगे, फिर उसको इस तरह स्ट्रेच कर देंगे अगला वाला, फिर अगले वाले को इस तरह। इसी तरह हम सारे सर्किल को निकाल के यहाँ पे स्ट्रेच कर देते हैं। तो ये जो लास्ट वाला होगा, इसकी लेंथ होगी 2 पाई आर, क्योंकि वो ये सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। ये देखिए जो बाहर वाला है आर रेडियस का, ये इसके इक्वल होगा 2 पाई आर। और ये जो बेस होगा, हम इस लाइन के अबाउट सबको स्ट्रेच किए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे इस पॉइंट से यहाँ पे करके इस पॉइंट के स्ट्रेच। तो ये हो जाएगा आर। तो देखिए ये ट्रायंगल बना रहा है ये। तो देखिए जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वही सर्कल का एरिया होगा, क्योंकि ये जो सर्कल्स हैं ये बहुत पास पास हैं। तो देखिए अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालें तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 बेस है आर और हाइट है 2 पाई आर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो एरिया मिलेगा हमें वो पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इसलिए होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।